तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। यहाँ पे दोस्तों जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, उनके लिए सबसे लेटेस्ट खबर निकाल के आ रही है। यहाँ पे दोस्तों आज की सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली कॉलेज स्टूडेंटों के लिए। यहाँ पे आप लोग जिस भी डिग्री धारक कोर्स को कर रहे हो, फाइनल ईयर के छात्रों, सेकेंड ईयर के छात्रों, फर्स्ट ईयर के छात्रों, सभी को दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप लोग किसी भी डिग्री धारक कोर्स से बिलोंग करते हो, इस वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक और शेयर तो जरूर करना, क्योंकि दोस्तों अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है उन सभी कैंडिडेटों के लिए जो लोग किसी भी डिग्री धारक कोर्स से बिलोंग करते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सरकार का सबसे बड़ा फैसला आ चुका है, अब तक का सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को पूरा स्टार्ट करते हैं और आप सभी को बताते हैं क्या लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है। और इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए तो दोस्तों नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है उसको प्रेस करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस में जो भी न्यूज़ आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम उन सभी छात्रों का जो डाउट है वो क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे प्रमोट करने का फैसला यहाँ पे सरकार द्वारा ले लिया गया है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो थर्ड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, यदि आप थर्ड ईयर में हैं तो भी आप प्रमोट होकर आपको डिग्री दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई सारे छात्रों को डाउट था कि सर अगर फर्स्ट और सेकेंड ईयर में कम नंबर है तो थर्ड ईयर में भी उसी औसत के हिसाब से नंबर मिलेंगे तो कम नंबर हम लोगों को मिलेंगे, तो हम लोग ये नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला सॉल्यूशन कि री अपीयर स्टूडेंट को मिलेगा एक और मौका। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फेल हो गए या आपके कम नंबर आए तो आप लोग उस स्थिति में आप लोग दोबारा से अपना पेपर दे सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट जितने भी हैं वो लोग ये इस बात को ज़रूर सुने। और यहाँ पे आपका जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फॉर्मूला तैयार हो चुका है, 30 को जारी हो सकता है रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है 30 जुलाई को, यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो आ रही है 30 जुलाई को आपका रिजल्ट जो है वो जारी हो सकता है। वहीं पे आपको बता दें कि दोस्तों आपका जो 31 जुलाई से पूरे जो विश्वविद्यालय और कॉलेज सभी यहाँ पे चालू हो जाएंगे पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट खबर निकल के आ रही थी और आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आपके थर्ड ईयर में या सेकंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है तो दोस्तों आपको किस हिसाब से नंबर दिए जाएंगे सभी को पता हो गया होगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो जब आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको जितने नंबर मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको फर्स्ट ईयर में नंबर दिए जाएंगे, और अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो दोस्तों आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के औसत अंकों का औसत आपको मिलेगा। यानी कि अगर आपके फर्स्ट ईयर में 2 नंबर हैं और आपके सेकंड ईयर में 3 नंबर हैं तो आपको 3 × 5/2 यानी कि आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। इस प्रकार से 200 नंबर दिए जाएंगे, मतलब औसत दिया जाएगा फर्स्ट ईयर में जितने भी नंबर हों, सेकंड ईयर में जितने नंबर हों और 2/2 तो वहाँ पे आपको औसत अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपका पूरा प्रोसेस चलेगा। जितने भी स्टूडेंट मतलब परीक्षाएँ देना चाहते हैं, जो रीअपीयर होना चाहते हैं एग्ज़ाम को, जो चाहते हो कि मेरे नंबर हाँ कम आ रहे हों रिजल्ट के बाद, अगर जिनके भी नंबर कम आए तो वो लोग दोस्तों दोबारा अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम और आराम से फॉर्म भर के अपना एग्ज़ाम भी दोबारा दे सकते हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट खबर निकल कर रही थी आज की कि आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी दोस्तों जारी होने वाला है। यहाँ पे कई सारे जो छात्र हैं वो डाउटफुल थे कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आज की सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही कि आपका रिजल्ट भी दोस्तों 30 जुलाई तक आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आगे वाले वीडियोज़ में जो भी अपडेट आएगी अब तक सबसे पहले पहुँचते रहे।